नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सपना चौधरी का यूटर्न, कांग्रेस में शामिल होने से किया साफ इनकार। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने यूटर्न लेते हुए कांग्रेस में शामिल होने से साफ इनकार किया है। माना जा रहा है कि मथुरा से लोकसभा की टिकट महेश पाठक को दिए जाने के बाद सपना चौधरी का ये निर्णय आया है। युवाओं के बीच खासी लोकप्रियता हासिल करने के बाद सपना को बिग बॉस के सीजन 11 में भी हिस्सा लेने का मौका मिला था। इसके बाद से ही उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई थी। यही कारण था कि वह पिछले साल 22 जून को राहुल गांधी से मिलने के लिए समय लेकर के कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी। सूत्र बताते हैं कि सपना चौधरी मथुरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की जो सांसद है और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के सामने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर के बड़ी सेलिब्रिटी बनना चाहती हैं। हालांकि खुद सपना अब इन कयासों से साफ इनकार कर रही है। एक अखबार के बातचीत के दौरान सपना चौधरी ने कहा कि वह राजनीति में अपने भविष्य को लेकर के असमंजस में हैं। उन्हें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अच्छी लगती हैं। यदि भाजपा भी उन्हें आदरपूर्वक बुलाएगी तो वह जरूर जाएंगी। फिलहाल वह किसी भी पार्टी के बुलावे पर पारिश्रमिक लेकर के प्रचार करने जा सकती है। उन्होंने कहा कि वह किसी एक फिल्म अभिनेत्री है और कांग्रेस से पूर्व सांसद राज बब्बर से वह कभी नहीं मिली। हालांकि लोग बहुत सारे कयास लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कई बार मुलाकात की और स्वीकार करते हुए सपना चौधरी ने कहा है कि प्रियंका ने उन्हें हर बार मुलाकात में अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए न्योता भी दिया। यदि वह कांग्रेस में शामिल होगी तो मीडिया के सामने आकर बताएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि मौजूदा समय में वह नेतृत्व को लेकर के राजनीतिक धरातल पर असमंजस में है। देश के युवाओं को इस 21वीं सदी में शहीद आजम भगत सिंह और महात्मा गांधी के समावेश वाला नेतृत्व चाहिए। गर्म दल और नरम दल का समावेश नेतृत्व ही देश की समग्र प्रगति कर सकता है, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ बातों से मान जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो लातों की भाषा से समझते हैं। हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद उनका इशारा नरेंद्र मोदी की ओर था। एक और बात उन्होंने बोली कि सपना नाम से मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। हालांकि लोग झूठे कयास लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।